उधर धोखाधड़ी के केस में अदालत का चक्कर लगा रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और मुसीबत आ गई, क्योंकि न्यूयॉर्क की अदालत के कर्मचारी के अपमान के आरोप में उनके बिजनेस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। यह आदेश आर्थर एंग्रॉन ने सुनाया, यानी उस जज ने जिस पर ट्रंप ने एक दिन पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगाया था। और अगले ही दिन न्यूयॉर्क की अदालत के जज आर्थर एंग्रॉन के आदेश ने ट्रंप की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि ट्रंप पर न्यूयॉर्क की अदालत के एक कर्मचारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। यही नहीं, उन पर उस कर्मचारी की एक सार्वजनिक कार्यक्रम की तस्वीर शेयर करने का भी आरोप लगा, जिसके बाद जज एंग्रॉन ने ट्रंप के बिजनेस पर सीमित प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। हालांकि ये प्रतिबंध क्या है ये सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन धोखाधड़ी के केस में अदालत का चक्कर लगा रहे ट्रंप की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि इस मामले में ट्रंप पर 2000 करोड़ का जुर्माना लगाने और कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।